So you could be calm and do the karma. When Sarkar Utsah, you were not coming to me, or Ashiva, they make me, but I will be very good to turn. Salutan, Saviko, Nirapranam, with which Chitrati Adrani Mahanubhav, Manurati Parivar, Aap Sami Dhrishvata Bhai Bhai, Saviko, Vyas Pitsa, Nirapranam, Jai Siyam, कथा के बारे में कथा के अंदर नहीं आई देसी बातों के बारे में तो बहुत कुछ पूछा जा रहा है मेरी समझ में जितना आएगा तो मेरे पास जितना समय होगा उतना आपसे संवाद करूंगा लेकिन हम प्रवेश करें राम मंदिर में भगवान वेद के कुछ महत्व के सूत्र हैं जैसे हमने प्रार्थना की कि इस राम मंदिर में भगवान वेद की स्थापना हो वाल्मीकि रामायण की स्थापना हो रामचरितमानस की स्थापना और समाज विनय को आदर के साथ स्वीकारा दी गई तो वेद से राम मंदिर के बारे में कुछ सूत्र था मैं आपके सामने आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ मुझे स्मरण है कि शायद कभी पहले भी मैंने इस पर संवाद रचा या नहीं लेकिन मैंने स्मरण में आया तो लिख लिया कहीं कोई चुप न हो मैं इस वेद मंत्र को पहले बोलूं उसे संधि मिलत करके और आप भी सुन करके ठीक से इसी मात्रा में उच्चार करें और ये केवल राम मंदिर के भगवान राम जी को ही चरणों में समर्पित करने के लिए इसमें तीन चार सूत्र है एक पांचवा भी है और दो सूत्र मानस वेग से हम ऐड करना चाहते हैं बड़ा सरल मंत्र है मैं लोगों को पता नहीं कह सकूंगा कि किस वेद से लेकिन जहां तक मेरी स्मृति काम कर रही है ये यजुर वेद का मंत्र है फिर भी भूल चुको पहले मैं भूल फिर आप व्रतेन दीक्षाम शब्दक्रम है व्रतेन दीक्षाम फिर बोलो व्रतेन दीक्षाम श्रद्धया श्रद्धया श्रद्धया
दक्षिणां 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 श्रद्धा श्रद्धां 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 आप्नोति आप्नोति श्रद्धया 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 सत्यं सत्यं आप्यते 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 वेद भगवान इसका सीधा साधा भाष्य तो बहुत छोटा है, उस पर बहुत विचार चिंतकों ने, ऋषियों ने, व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने, महापुरुषों ने, अधिकारी गणों ने थोड़ा थोड़ा सबका अवलोकन पूर्व ने मैंने किया है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए कि विचार किसी के भी कभी मौलिक नहीं होता। मैं फिर से बोलूं, विचार किसी के भी कभी मौलिक नहीं होता, मौलिक केवल आदमी का अनुभव है। सब हमको लगे कि हम ये मौलिक विचार पेश कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में पता लगता है कि वो तो वही ग्रंथ है, कोई तो कबीर बोले, कोई तो नानक बोले, कोई तो गंगा सती बोले, या तो वेद बोले हैं, उपनिषद। कई लोग दावा जरूर करते हैं कि हमारे मौलिक विचार सदैव वासी हैं, इसलिए हमारे यहां साधना पक्ष में और भजन पक्ष में आया है। आदमी जितना निर्विचार हो इतना स्वस्थ है। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि उम्र हो जाए तो उसके औषधि क्या, उम्र को तो उसके औषधि तीन ही औषधि, एक ज्यादा से ज्यादा आराम करें, ज्यादा से ज्यादा विषय उम्र के औषधि, बाकी तो डॉक्टर जो बताए वो करना, लेकिन उम्र हो जाए तो आराम उसके औषधि है, उम्र हो जाए तो दूसरे औषधि है विचारों को विश्राम देना औषधि, ज्यादा विचार उम्र हो जाए उसके बाद ज्यादा विचार। और उम्र की तीसरी औषधि है ज्यादा गुण, वचन से ज्यादा बोलना नहीं, कर्मों में ज्यादा प्रवृत्त नहीं होना, विश्राम करना और मन से ज्यादा विचार करना, क्योंकि जो भी विचार करोगे मैं करूं, हाँ जरूर हम कह सकते हैं कि ये मेरा मौलिक विचार है, क्योंकि पहली बार वक्ता था कोई व्यक्ति बोला उसके लिए मौलिक, लेकिन मेरा इतनी सालों का अनुभव कहीं न कहीं उसका मौलिक करता है, और मेरा भी मत हो अपने बदल भाग पर उतर जाएगी। सभी वेदों से आचार्य से, चाहे कोई भी परंपरा के आचार्य।